हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फैंसी लैम्प बनाएंगे, जिसके लिए हमें सुतली चाहिए होगी और एक अदद ग्लू चाहिए होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सुतली के जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खोल लेते हैं। मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी रहेगी, तो अब यहाँ से इसको कट कर दिया और इसको लपेट लेते हैं अच्छी तरह। ये गिलू है, इसको इसका लिक्विड बनाना है पानी में मिला के, ताकि ये लिक्विड सुतली में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। ख़्याल में गिलू कम पड़ जाएगी, तो इसके अंदर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिला लेते हैं ताकि मज़बूती भी अच्छी आ जाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने मिला लिया, अब इसको इसमें डिप कर देते हैं। तो गाइस, अब इस सुतली को बलून के ऊपर लपेटते हैं। आप भी घर में बनाना चाहें तो इसको सीक्वेंस से भी लपेट सकते हैं और रेंडमली भी लपेट सकते हैं। मैं इसको रेंडमली लपेट रहा हूँ। और डोरी लपेटते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे की साइड थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, ताकि बाद में हमें बल्ब लगाने में आसानी हो। तो तकरीबन ये लिपट चुका है। इसके ऊपर गिलू थोड़ी कम है, तो अब अलग से इसके ऊपर गिलू लगानी पड़ेगी। तो ब्रश से इसको गिलू लगाते हैं। तो ये गिलू लग गई है हमारी, अब इसको एक दिन के लिए हम रख देते हैं सूखने के लिए, ताकि अच्छी से शेप आ जाए इसकी। तो गाइस, एक दिन गुजर चुका है और बलून की हवा तो वैसे ही निकल गई थी। अब इसके ना बल्ब का कनेक्शन काट लेते हैं। ये होल्डर हमने अंदर लगा दिया, ये पेपर रोल में डाल देते हैं इसको, वायर को। तो गाइस, हमारा लैम्प फाइनली तैयार हो चुका है। इसके ना बल्ब लगा देते हैं और आपको हैंग करके इसको दिखाएंगे फिर। तो पेश है आपके सामने फैंसी होममेड लैंप। अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आपको पसंद आया या नहीं आया ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मुख्तलिफ कलर के बल्ब हमने स्किनर ला के चेक किया है कि कौन सा अच्छा लगता है। मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर बना है, अच्छा बना है, खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो और हमारी ये काविश आपको पसंद आई तो अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करेगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप भी घर में अपने बना सकते हैं, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।